अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो हम दिन रात फेस करते हैं वो है अपने कस्टमर्स से पैसे मंगाना। और जितनी इम्पोर्टेंस उसके जल्दी आने की होती है, उतना ही महत्व होता है कि हम उनसे बहुत प्यार से बात करें ताकि वो हमसे गुस्सा ना हो जाए और हमें फिर भी काम देते रहें। तो ये बहुत ही एक अच्छा मिक्सचर होता है फॉलो अप करते रहने का और प्यार से फॉलो अप करते रहने का, ताकि हमारे पैसे आते भी रहे और हमारा कस्टमर हमसे गुस्सा भी ना हो। तो अगर ये सेम प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ स्वाति सिंघानिया और इस चैनल पे हम एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड सारे फाइनेंस और अकाउंट्स की बातों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपका बिजनेस जर्नी बहुत ही आसान रहे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन की। सबसे पहले जो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो इनवॉइसेस रेज करते हैं या बिल्स रेज करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि नहीं। इन टर्म्स और कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन्हें पैसे कितने दिन में देने हैं। अगर आपने उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि उन्हें पैसे तुरंत देने हैं, डिलीवरी के साथ देनी है, 15 दिन में देने हैं, 30 दिन में देने हैं, तो कल के दिन आपके पास पैसे क्लेम करने के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी जरूर लिखें कि अगर वो उस नियमित टाइमलाइन में पैसे आपको नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, आप कितना इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट डिले होने पे आप ये इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सके, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहने से आप जब अपने कस्टमर्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से और स्ट्रेंथ के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। अब बात करते हैं दूसरी सोल्यूशन की। आपने सपोज कीजिए 10 तारीख को सामान बेचा और 10 तारीख को ही उसकी इनवॉइस जनरेट हुई। आपका नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप 30 दिन में कस्टमर से पैसे लेते हैं, तो बात हुई कि 10 फरवरी तक आपके पास पैसे आ जाने चाहिए, लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं आए हैं और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में ये इंश्योर करें कि आपकी कंपनी में एक रेगुलर फॉलो अप सिस्टम हो। हमारी जो CFO आउटसोर्सिंग कंपनी है द प्राइम CFO, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, यहाँ हम अपने क्लाइंट्स के लिए फॉलो अप सिस्टम रेडी करते हैं जिनसे रेगुलर फॉलो अप उनके क्लाइंट्स को होते रहे। ये फॉलो अप सिस्टम होने से क्या होता है? ये फॉलो अप सिस्टम होने से ये होता है कि आपके पैसे कंपैरेटिवली जल्दी आते हैं। कई बार कस्टमर्स इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि आपकी पेमेंट ड्यूज है, और अगर आप उनको याद नहीं दिलाएंगे तो वो पैसे कैसे देंगे। कई बार हमें ये लगता है कि हम उन्हें याद दिलाएंगे तो वो हमारी बातों का बुरा मान जाएंगे, और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जो फॉलो अप हो वो जीरो लेवल से शुरू होके 0, 1, 2, 3 एंड फिर फाइनली एट द एंड 10 लेवल पे जाए, और इसका एक सिस्टम सेट करना होता है। तो ये सिस्टम आप अपने ऑफिस में जरूर सेट करें। इसके लिए आप क्या चीजों को यूज कर सकते हैं? आप रिमाइंडर ईमेल्स भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को, आप एक रेगुलर फोन कॉल करा सकते हैं उनको, तीसरा आप खुद उनको फोन कर सकते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखें कि आप तभी उनको फोन करें जब कुछ और नहीं वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एंटरप्रेनर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आपके फोन कॉल की इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए। तो ये इंश्योर करें कि आप तभी फोन करें जब बाकी कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं। रेगुलर ईमेल और आपके एम्प्लॉयज से फोन कॉल कराने से कई बार वो पैसे जल्दी आ जाते हैं, और आप उनको फोन करें उसके पहले एक बार व्हाट्सएप या SMS जरूर ट्राई करें। कई बार आपके खुद व्हाट्सएप करने से वो पैसे बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट सोल्यूशन की। ये जो तीसरा सोल्यूशन है ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन होता है, लेकिन हमारे दिमाग में कई बार ये चीजें आती नहीं है। जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं या जिन कस्टमर्स को आपने लंबा क्रेडिट पीरियड दे रखा है, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर, ये आप इंश्योर करें कि आप उनसे क्वार्टरली कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स मंगाएं। इससे कई चीजें होती हैं। सबसे पहले कस्टमर को याद आता है कि उनका क्या ड्यूज है आपकी तरफ, उनका क्या उधार है, उनको कितने पैसे आपको चुकाने हैं। तो कई बार कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट साइन करते करते कस्टमर को ये लगता है अरे इसके बहुत पैसे बाकी हो गए हैं, चलो मैं कुछ तो जल्दी पे कर देता हूँ। सेकेंडली, जब वो कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट साइन करते हैं उनको ये भी समझ में आ जाता है कि पैसे जो ड्यू हैं उसमें कुछ डिस्प्यूट है कि नहीं। तो जो डिस्प्यूट 2 साल 1 साल बाद जाके सेटल होता है वो ऑन क्वार्टरली बेसिस सेटल हो जाता है। आपके दिमाग में चीज़ें काफ़ी फ्रेश होती हैं और उनके दिमाग में भी चीज़ें काफ़ी नई ताज़ा होती हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व डिस्प्यूट्स।
कई बार कस्टमर बोलता है, अरे वो तुमने सामान मुझे एक दिन लेट भेजा था इसलिए मेरा नुकसान हो गया और इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। अगर आप इस डिस्प्यूट को काफी दिनों बाद सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि उस दिन बहुत जोर से बारिश हुई थी और इसीलिए एक दिन लेट हो गया था। इन ग्राउंड्स पे पैसे काटना सही नहीं होता है, इसीलिए अगर आप एक हर क्वार्टरली एक कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स ले लेंगे तो ये डिस्प्यूट्स जल्दी सेटल हो जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसका सलूशन निकल आता है। और तीसरी बात, अगर किसी आगे चल के ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और आपको कस्टमर के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना होता है तो ये कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स बड़े ही काम की चीज होती है। इसके बिना आप कोई भी लीगल एक्शन अपने कस्टमर पे नहीं ले पाते हैं और इसीलिए ये कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स जरूर लें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। मैंने सोल्यूशंस तो आपको बता दिए, लेकिन अपने बिजनेस को संभालते संभालते हमारे पास कई बार ये वक्त नहीं हो पाता है कि हम इन चीजों को भी देखें कि हमारे डेटर्स हमें पैसा दे रहे हैं कि नहीं और हम क्या सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो हमें जल्दी पैसा दे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि सिर्फ सेल्स करनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो पैसे आपके पास आए, क्योंकि आपके पास वो पैसे आ पाएंगे तभी आप सैलरीज दे पाएंगे, तभी आप नया सामान खरीद पाएंगे और आप अपने आप के लिए प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे। सो इसीलिए डेटर्स से पैसे निकालते रहना बहुत ही एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है बिजनेस के सक्सेस के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है इन चीजों को मैनेज करने का और सिस्टम्स इन प्लेस लाने का, आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकते हैं कि हम आपकी कंपनी में इन सिस्टम्स को कैसे बेहतर फॉलो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसीलिए क्लोज करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं हूँ स्वाति सिंघानिया एंड वी आर अनलॉकिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यू हियर।